हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देहरादून का लड़का। और मैं हूँ विनय, और आज हम जा रहे हैं अपनी नई एक्टिवा को लेकर, मतलब जुपिटर को लेकर, अपनी नई जुपिटर को लेकर के देहरादून से कहाँ जॉर्ज एवरेस्ट। ट्राई करते हैं जुपिटर की राइडिंग, और आप सब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जुपिटर की राइडिंग। बाकी तो सब कुछ मैं बोलता रहूँगा रास्ते में, तो लेट्स गो भाई। एक्टिवा चलाने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, मतलब जुपिटर चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है किमाड़ी के रास्तों में। एक तो दिन में धूप निकली हुई है इसलिए भी, और गाड़ी नहीं है, और पिकअप बहुत ही अच्छा है, गाड़ी बिल्कुल भी लोड नहीं ले रही है यहाँ पर ना। और व्यूज़ तो यार क्या ही ज़बरदस्त व्यू है किमाड़ी के, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है किमाड़ी का रास्ता। तो किमाड़ी के रास्ते से आज हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट, और अपनी नई गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट। किमाड़ी के रास्ते पहले से ही हमारे फेवरेट रहे हैं, एक्चुअली मेरे नहीं, मेरे पूरे ग्रुप के ही फेवरेट रहे हैं, क्योंकि हमें जब भी यहाँ से जाना होता है किमाड़ी तो सॉरी मसूरी, तो हम किमाड़ी के ही रास्ते से जाते हैं। कपल्स का भी फेवरेट रहा है किमाड़ी वाला रास्ता, जो भी कपल्स हैं यहीं से जाना पसंद करते हैं किमाड़ी, किमाड़ी से होते हुए मसूरी। लामबीधार भी बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, लामबीधार वहाँ पे लंबी लंबी धार है, वहाँ पे जाके दिखाएंगे मतलब वाटरफॉल आपको, इसलिए वो लामबीधार बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबा वाटरफॉल है। किमाड़ी के रास्ते पे जब आप जाएंगे तो काफ़ी जगह कैफ़े कैफ़े मिलते हैं, ऐसे टी स्टॉल्स मिलते रहते हैं, तो आपको मैगी खानी हो या चाय कॉफ़ी पीनी हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेनी हो, तो ऐसा कोई मोड़ नहीं है जहाँ पर मतलब आपको कैफ़े नहीं मिलेंगे। हर जगह कैफेज़ वगैरह खुले हुए हैं, कैफेज, स्मॉल रेस्तरां वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, और वो भी हर मोड़ पर मिलते हैं। पहले तो ये रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो ऐसे स्टॉल्स वगैरह, पानी की बॉटल्स और चिप्स कुरकुरे वगैरह सभी जगह मिल जाते हैं रास्ते में। रास्ते पे जो नहीं मिलेगा वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है बाइक रिपेयरिंग की शॉप। अगर आपके बाइक का टायर पंचर हो जाता है तो आपको दूर दूर तक भी कोई भी रिपेयरिंग शॉप नहीं मिलेगी, मैकेनिक नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो पॉसिबल रहे कि अपनी बाइक को देख करके आएँ कि टायर वगैरह ज़्यादा घिसे हुए हो, तो फिर अवॉइड करें इस रास्ते से आने से यार। और बाइक को अच्छे
सारे चेक करके अपनी सर्विसिंग करा के निकले, क्योंकि चढ़ाई इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा है। अभी तो चढ़ाई की स्टार्टिंग हुई है, आगे आगे देखना चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और रास्ते बहुत ही ख़तरनाक हैं। मैं दिखा भी दूंगा अभी वीडियोज़ में, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जब बाइक राइड करो तो यार केवाड़ी के रास्ते पर ध्यान सामने रखना, आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए सड़क से। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पत्थर गिरते रहते थे, शायद उसी की रिपेयरिंग चल रही है यहाँ पर। और अब यहाँ से रह गया है किमाड़ी मात्र 6 किलोमीटर दूर, तो जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं किमाड़ी वाटरफॉल पर और वही अपना फेवरेट खिंचवाते हैं, कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करेंगे, कुछ फ़ोटोज़ अच्छी अच्छी, और फिर चलते हैं जल्दी से जल्दी जॉर्ज एवरेस्ट के लिए। और व्यूज़ की बात की जाए तो व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर किमाड़ी पर। ये इसीलिए फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और बात की जाए सड़क की, तो सड़क भी बहुत अच्छी बनी हुई है, शायद नई ही बनी है, और आपको राइड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइक राइड कीजिए आप या अपने व्हीकल कोई भी कार राइड कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको मज़ा आने वाला है, आप फुल इन्जॉय करने वाले हैं इस राइड पर। तो आइए आप बिल्कुल किमाड़ी के रास्ते से मसूरी, और आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे यहाँ के व्यूज़ से, क्योंकि उस वाले रास्ते से ज़्यादा आकर के हम बोर हो चुके हैं, बट ये रास्ता बोरिंग नहीं है, सच में नहीं है, बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं किमाड़ी वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल है बहुत ज़्यादा फेमस, जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस किमाड़ी वाटरफॉल पे इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं कि ये देखिए पीछे 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 देखिए, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ मतलब काफ़ी लोग जा चुके हैं मेरे सामने, अब जा करके थोड़ा कम हुए हैं लोग, काफ़ी ग्रुप्स आते हैं और ग्रुप्स की लाइन लगी रहती है यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करवाने के लिए, और आप भी आएंगे और फोटो यहाँ पे जरूर कैप्चर करवाएंगे। यह है सामने किमाड़ी का सेकंड वाटरफॉल, और यही व्यूज़ हैं जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, जो किमाड़ी आपको लेकर के आने पर मजबूर करेंगे। और कभी आप लोगों को पिकनिक मनाने आना हो तो आप पिकनिक पे भी आ सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग अपने घर से गैस लेकर के आते हैं और यहाँ पर ही अपनी पूरी फैमिली के साथ इन्जॉय करते हैं अपने डे को।
लोग आते हैं संडे के दिन यहाँ से मसूरी जाने के लिए, क्योंकि इस जगह ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट हेलमेट आप बाइक राइड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है यहाँ पर ना, बहुत रेयर गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे, बहुत रेयर ट्रैफिक, ऐसा कभी कुछ मैंने कभी देखा नहीं है कि यहाँ पर ट्रैफिक हो। जो आपको अपनी तरफ खींच करके लाते हैं, यहाँ के व्यूज़ ऐसे हैं कि आपको यहाँ पर बार बार बाइक राइड करने पे मजबूर करते हैं। बाकी जिनके पास कार है वो कार राइड करते हैं, जिनके पास बाइक है बाइक राइड करते हैं, और हमारा तो शौक ही बाइक राइड का है यार, हम तो बने ही पैदा ही शायद बाइक राइड के लिए हैं। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पूरा रेडी हो चुका है लगभग लगभग, बस अपने पास रह गया है अब गोप्रो का माइक, DSLR अपने पास है, कैनन 200D Mark II, और गोप्रो अपने पास है गोप्रो हीरो 9 ब्लैक, जो कि सभी जानते हैं नंबर वन है रिकॉर्डिंग के मामले में भी, और इन फ्यूचर भी उसके अंदर 5K दिया हुआ है, तो 5K बहुत एक अच्छी क्लियरिटी प्रोवाइड करेगा हमें, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन देगा बाद में, तो अभी तो हम 2.7K पे ही शूट करते हैं क्योंकि इतना इनफ है, बहुत अच्छा क्वालिटी आता है वीडियो का, और इन फ्यूचर बहुत लंबी लंबी राइड भी करेंगे, इन फ्यूचर नहीं आई थिंक कि इसी साल बहुत लंबी लंबी राइड पे भी हमको जाना है, इसीलिए ये सारे गैजेट्स जो थे इनकी रिक्वायरमेंट थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम यूट्यूब को यूट्यूब नहीं समझते, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं समझते, यूट्यूब हमारे लिए है एक मेमोरी बुक, यहाँ पे हम अपने वीडियोज अपलोड करते हैं अपनी मेमोरीज़ के लिए, इन फ्यूचर हम कभी भी अपने वीडियोस को उठा करके देख सकते हैं। और ये चीज आज बहुत अच्छी रही कि यार आज एक सनी डे है, धूप निकली हुई है हर तरफ और पहाड़ वगैरह बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से व्यूज नजर आ रहे हैं यार, और ठंड भी नहीं है सबसे बड़ी बात। मैं घर से ग्लव्स वगैरह लेकर के आया था पर पूरे रास्ते में मुझको अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी ग्लव्स वगैरह यूज़ करने की। बहुत कम मिलता है ऐसा टूटा फूटा रास्ता, लेकिन कहीं कहीं तो मिलता ही है। मसूरी जो लोग जानते हैं मसूरी आ रखे हैं उनको पता होगा लांबी देहर माइंस के बारे में, तो वो हॉन्टेड प्लेस है और वहाँ पर हम पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा पीछे ही रह गए हैं, लगभग 1 किलोमीटर पीछे रह गए हैं बस। और यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को ये मेरी बाइक राइड कैसी लगी, हमारी न्यू एक्टिवा की राइड आपको कैसी लगी, न्यू जुपिटर हमारी। एक्चुअली मोपर फ्लो घर में मेरे एक और एक्टिवा है, तो एक्टिवा ही बोला है आज तक, तो फिर एक्टिवा ही निकलता है मुझसे, जुपिटर अब धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी ना हम लोगों को बोलने की, तो जुपिटर एक बहुत अच्छी बाइक है, बहुत ही अच्छी बाइक है जुपिटर। शायद इसलिए नहीं रोका होगा, या मेरे पास कैमरा था शायद इसलिए नहीं रोका होगा, कैमरा क्योंकि लगा हुआ है मेरे चेस्ट पर। पर जो भी था आई थिंक बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को तो रोका हुआ था वहाँ पर मेरे सामने, वो एक बार तो आया पर लेकिन रास्ते से हट गया, एक बार के लिए तो यार मैं भी डर गया था, मैंने कहा यार रोक ना ले, क्योंकि हेलमेट का चलान कटेगा हेलमेट और मास्क का, लेकिन फिर भी कैमरे का बहुत फर्क पड़ता है यार, पुलिस वाले भी आपको सोच समझ कर के ही रोकते हैं कि यार कैमरा लगा हुआ है ऑन कैमरा, कि वो कैसे उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे मैटर को,
तो अच्छा था, मतलब ठीक था, अच्छा हुआ उन्होंने नहीं रोका, मेरा गुड लक है। और लामी दहर माइंस हम पहुंच चुके हैं। एक बार लामी दहर माइंस का मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ यहाँ से गाड़ी रोक करके, फिर उसके बाद सीधा अपन लोग रुकेंगे क्लाउड एंड और जॉर्ज एवरेस्ट वाले क्रॉस पर, जो क्रॉसिंग है वहाँ पर, फिर उसके बाद रुकते हैं वहाँ पर। लामी दहर माइंस हम पहुँच चुके हैं और ये रास्ता जाता है पीछे से लामी दहर माइंस के लिए, लेकिन लोगों ने जो है रास्ते को तोड़ दिया है क्योंकि वही कपल्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा आते थे यहाँ पर, 9 फीट का गड्ढा कर दिया एक्चुअली। तो अब अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी को खड़े करके इस तरह से करके और यहाँ से आप लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। पैदल ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पीछे ही है मेरे 100 प्लेस। और 100 प्लेस की स्टोरी जिसको नहीं पता वो मैं आई लोगों पर लगा दूंगा अपना वो वाला वीडियो जो 100 प्लेस का है, वो जा करके 100 प्लेस का वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे, कहाँ, जॉर्ज एवरेस्ट की तरह। कम करके यहाँ से शुरू होता है जॉर्ज का रास्ता, जॉर्ज एवरेस्ट के लिए सबसे गंदा रास्ता। बहुत ही गंदा रास्ता है ये, और जॉर्ज और भद्राज के रास्ते दोनों ही बहुत गंदे हैं, तो अपने लिए तो कुछ नया नहीं है। खैर गंदे रास्ते पर चलने की आदत ही है क्योंकि हम तो है ही गंदे गंदे बच्चे। एक्चुअली हम गंदे बच्चे नहीं है, हम ना घुमक्कड़ हैं, हम घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते ही रहते हैं, गोल 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 गोल, जैसे पड़ोसी के घर की रोटी होती है ना गोल गोल, वैसे ही हम लोग भी गोल गोल घूमते रहते हैं। ये देखो रास्ते ख़त्म, रास्ते हैं बिल्कुल डेड, बस थोड़ा सा देख करके। भैया आराम से बैठो, डरो मत डरो मत, डर क्यों रहे हो, गाड़ी क्यों हिला रहे हो, अरे आप एक साइड घुमा रहे हो गाड़ी, सीधे बीच में बैठो आप, मत डरो हम हैं ना, आप उधर को झटका मार रहे हैं ना गाड़ी पर। नई गाड़ी है इसमें कुछ नहीं है, पुरानी गाड़ी हो तो डर भी लगता है, इसमें नहीं डर लगेगा, तो नई गाड़ी है। कोई नहीं लेने दो उसको, हम है ना तूफान के देवता, तूफान के देवता। रास्ते हो गंदे तो उन्हीं में बाइक राइड करने का ज़्यादा मज़ा आता है। सीधे रास्तों में तो बाइक राइड करने का मज़ा भी नहीं आता यार। अब यहाँ पर देखते हैं यार, ये आगे तो जाने देंगे नहीं यार ना यहाँ से, तो मैं थोड़ा बात करता हूँ, अगर जो जाने देंगे कहीं नहीं लगा रहा। यहाँ से पैदल जाने का रास्ता है, आगे जाने नहीं देते हैं गाड़ी ना। तो यार पैदल चढ़ाई हमने शुरू कर दी है जॉर्ज एवरेस्ट के लिए, जॉर्ज एवरेस्ट के लिए नहीं एक्चुअली, यहाँ से पैदल इसलिए इन्होंने किया हुआ है, ऊपर कुछ हादसे वादसे हो गए हैं, कुछ बाइक से कुछ एक्सीडेंट हुए हैं। अभी मैंने अपने भाई जो कि पुलिस में ही है उनसे बात भी कराई, पर उन्होंने आगे जाने के लिए मतलब मना किया हुआ है, शायद ऊपर से आदेश हैं कि आगे किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। तो मैं कोई बात नहीं, बुढ़े थोड़ी ना जवान है, चले जाएंगे पैदल पैदल, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये वाली चढ़ाई पहले करते हैं पूरी, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आगे के लिए कि कैसी है पैदल पैदल यहाँ से पार्किंग के बाद की चढ़ाई, फिर जो मेन चढ़ाई है वो आगे शुरू होती है।
तो ये है पैदल पैदल यहाँ चढ़ाई। तो अपने साथ भाई एक्स्ट्रा सामान अवॉइड करें, ज़्यादा सामान लेकर के आना बेवकूफ़ी होगी। या फिर एक्टिवा है तो एक्टिवा की डिग्गी में अपना हेलमेट या जो भी छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान है वो एक्टिवा की डिग्गी में रख दें। बस हम जो चढ़ रहे हैं, मेरे साथ तो सिर्फ एक बैग है जिसमें मेरा DSLR है और चार्जर है मेरे। तो भाई वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे ही। जॉर्ज एवरेस्ट तक का वीडियो यहीं तक था। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम पहुँच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट की एंट्रेंस पे। तो यहाँ तक का ही फाइनल था कि फर्स्ट राइड मेरे को यहाँ से यहाँ तक करनी है। बाय फॉर्चुनेटली उन्होंने गाड़ी आने नहीं दी, तो मैंने कहा पैदल ही दिखा देता हूँ यहाँ तक, तो ज़्यादा दूर थोड़ा ही ना है। सो लेट्स गो, पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। बाय बाय।